funded missile system जो रूस से भारत को मिला है। इस मिसाइल सिस्टम के मिलने से भारत का डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत हो गया है और इससे पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है। रूस से हुए S-400 मिसाइल सिस्टम के करार को मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इस मिसाइल सिस्टम का पूरा नाम S-400 ट्रायम्फ है, जिसे नाटो देशों में 21 ग्रोलर के नाम से पुकारा जाता है। ये लंबी दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, जिसे रूस ने बनाया है। S-400 का सबसे पहले साल 2007 में उपयोग हुआ था, जो कि S-300 का अपडेटेड वर्जन है। साल 2015 से भारत रूस में इस मिसाइल सिस्टम की डील को लेकर बात शुरू हुई थी। कई देश रूस से ये सिस्टम खरीदना चाहते हैं, क्योंकि इसे अमेरिका के थार्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम से बेहतर माना जाता है। इस एक मिसाइल सिस्टम में कई सिस्टम एक साथ लगे होने के कारण इसकी सामरिक क्षमता काफी मजबूत मानी जाती है। अलग अलग काम करने वाले कई राडार, खुद निशाने को चिन्हित करने वाले एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर, कमांड और कंट्रोल सेंटर एक साथ होने के कारण S-400 की दुनिया में काफी मांग है। इसकी मारक क्षमता अचूक है, क्योंकि ये एक साथ तीन दिशाओं में मिसाइल दाग सकता है। 400 किलोमीटर की रेंज में एक साथ कई लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक व क्रूज मिसाइल और ड्रोन पर यह हमला कर सकता है। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल एक साथ 100 हवाई खतरों को भांप सकता है और अमेरिका निर्मित F-35 जैसे 6 लड़ाकू विमानों को दाग सकता है। रूस के साथ S-400 डील होने के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है जिसके पास ये मिसाइल सिस्टम है। इसके पहले चीन और तुर्की के पास रूस ये डील कर चुका है। इस डील को लेकर पाकिस्तान काफी चिंतित है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने रूस के साथ इस डील को बड़ी परेशानी बताया था। पाकिस्तान भी रूस के साथ इस मिसाइल सिस्टम को खरीदना चाहता है, लेकिन रूस के साथ उसकी बात नहीं बन रही है।